सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। जितने खुश हैं प्रभु की महिमा करो सब। आमीन। सब अपनी बाइबल को खोलो, नया नियम, याकूब की किताब, उसका चार अध्याय उसकी 6 और 7 आयत को पढ़ेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। सब कहे आमीन। मेरे पीछे ऊंची आवाज में बोलो, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है। ऊंची आवाज में बोलो, इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से, वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा उसका सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। आमीन। परमेश्वर ने कहा शैतान का सामना कर, तेरे सामने से भाग जाएगा। ये बाइबल में लिखा है शैतान की, अपने पड़ोसी को बोलो बोलो शैतान की रोटी पाप है। अगर पाप ना रहा तो शैतान ना रहेगा। आमीन। ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने लोगों को कंप्लेंट करते देखा, दुष्ट आत्मा उनके जीवन से जा नहीं रही। मैंने पास्टर्स को कंप्लेंट करते देखा, उनके चर्च से दुष्ट आत्मा नहीं जा रही। लुका 10 उसकी 17 से लेकर 19 आयत तक पढ़ेंगे। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। आमीन। मेरी बात को ध्यान से समझ, मैं आपको कहना चाहता हूं, शैतान की रोटी क्या है? पाप। अगर पाप ना रहा तो शैतान नहीं रहेगा। आमीन। शैतान की रोटी जो है पाप है। शैतान कभी आप पे अटैक नहीं कर सकता अगर आपकी जिंदगी में पाप नहीं। लोग बोलते हैं शैतान मुझ पे अटैक करता है। मैं लोगों से पूछता हूं, अच्छा अगर वो आप पे अटैक कर रहे हो आप क्या करते हैं? बोलते शैतान मुझ पे अटैक करता, अगर वो अटैक करता तो आप क्या करते हैं? आप सोए रहते हैं? या बेचारे बाइबल में लिखा वचन आपके लिए हथियार है, लेकिन हथियार उन्हीं लोगों के काम में आता है जो उसको चलाना जानते हैं। लुका 10 की 17 से 19 में लिखा, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर तुम्हें पूरा अधिकार दिया है। वो नशा जो छूट नहीं रहा आपके लोगों से, वो उसके पीछे शैतान है। वो बिजनेस जो आपके अच्छे होने के बावजूद, पैसा डालने के बावजूद बढ़ा नहीं, उसके पीछे शैतान है। आज उसका आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप लोग गवाहियां देते सुनते हैं कि मैं मुझको शैतान था, मैं अपोस्टल जी से मिला, मैंने ये कहा, मैंने वो कहा, और उन्होंने कहा जाओ बाइबल पढ़ो, वचन पढ़ो, और जैसे मैंने वचन पढ़ना शुरू किया शैतान मेरी जिंदगी से चला गया। अगर पवित्रता ही आपकी जिंदगी का हिस्सा है, शैतान आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा। कौन सबको दिखता है? ये मेरी बाइबल दिख रही है सबको? ध्यान से देखो इसे, ये देखो, ये मेरी पहली बाइबल है मेरी लाइफ की। सबको दिख रही है? मैं आपको गवाही देता हूं, रुक जाऊं, मैं आपको बताता हूं परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में क्या किया। इसको ध्यान से देखना, मैं लाइट में रखता हूं इसे आप ध्यान से देखो। आप देखते हैं ये मैली है। किसने देखा ये मैली है बाइबल? क्योंकि जिनकी बाइबल साफ है वो बाइबल पढ़ते नहीं।
2004 में मैं परमेश्वर में इसलिए आया था कि मुझको दुष्ट आत्मा थी, और जब दुष्ट आत्मा रात को मेरे पे अटैक करती थी, मुझे मेंटली अपसेट के दौरे पड़ने शुरू होते थे और मैं बिल्कुल अपने आप खो बैठता था। और प्रेयर करवाई, सब कुछ किया, और परमेश्वर की आत्मा, क्योंकि जब जो पास्टर्स की प्रेयर है वो मजबूर कर देती है शैतान को कि वो आपकी जिंदगी को ले नहीं पाता, और उसके बाद अगर आप उनकी बात को ध्यान से सुने तो परमेश्वर का आत्मा उसके बाद आपसे बात करना शुरू करता। अब मैं वचन पे आ रहा हूं, ध्यान से सुनना। आज जब मैं आ रहा था यहां पे, तो ये बाइबल मैंने अपनी वाइफ को गिफ्ट दे दी है, तो जब मैंने उसकी देखी, मैंने कहा आज मुझे दो, मैंने लेके जानी है चर्च में। जब शैतान मुझ पे, आप जिन पेजों को देखेंगे यहां पे, जितने पेज ज्यादा गंदे हैं इन पे सिर रख रख के मैं रोया हूं परमेश्वर के सामने, जितने पेज आपको गंदे नजर आए, क्योंकि जैसे ही शैतान ने मुझ पे अटैक करना, मैंने प्रेयर करवानी, उसके बाद शैतान ने अटैक करना, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोलना बाइबल को खोल और वचन पढ़ना शुरू कर। रात को 9 बजे मैंने सिर पे तेल लगाना, परमेश्वर का लहू बना के, परमेश्वर आपका लहू मैं छुपाता हूं, और तेल लगा के अपने अपने टेरिस पे जाके 6 घंटे मैंने ये बाइबल पढ़ी, 6-6 घंटे रोज बिना नागा। और जहां कहीं लिखा होता था कि परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं शैतान की सारी ताकत पर मुझे अधिकार दिया है, मेरा सिर वहां बाइबल में लगना, और मैंने 3-3 घंटे रोते रहना परमेश्वर के सामने। अगर परमेश्वर लिखा है तो मेरी जिंदगी में पूरा होना चाहिए। बाइबल में लिखा, जब तू शैतान का सामना करेगा और लड़ेगा, लिखा वो तेरे सामने से भाग जाएगा। लिखा परमेश्वर के जब तू अधीन देगा, सबसे बड़ी बात शैतान मेरी जिंदगी में इसलिए गया, मेरी जिंदगी में वो काम नहीं कर पाया, पहली बात मैं परमेश्वर के अधीन था और परमेश्वर के सेवकों के अधीन था। आप जब भी मुझसे मिलेंगे, चाहे वो सेवक मेरी खिलाफत करता हो, आप कभी मुझे सेवकों की खिलाफत करता नहीं पाएंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा अगर आपको शैतान को हराना है तो पहली बात आप परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों की आपके आपके जीवन में अधीन भी होनी चाहिए, और दूसरी बात बाइबल में लिखा फिर शैतान का सामना कर, वो तेरे सामने चला जाएगा। अगर आप अधीन भी नहीं कर सकते, शैतान भी आपकी अधीन भी नहीं कर सकता। अगर आप किसी की बात सुन नहीं सकते और समझ नहीं सकते, शैतान भी आपकी बात सुन और समझ नहीं सकता। कितनों को समझ आ रही मेरी बात है? जब ये वचन मैं पढ़ता था, जब शैतान मुझ पे अटैक करता है, मैं लोगों को पूछता हूं जब वो आप पे अटैक करता है तो आप क्या करते हैं? जब शैतान ने आप पे अटैक किया, आपने क्या किया? आप सो गए? आप बेचारे बन गए, रोए शैतान के सामने? जब वो मुझ पे अटैक करता है, मैं बाइबल खोलता था, अपने टेरिस पे जाना, मॉडल टाउन हमारा घर होता था, बाइबल खोलनी, 6-6 घंटे मैंने वचन पढ़ना, और 6 घंटे के बाद मुझे ऐसा लगता था अगर कोई पागल मेरे सामने आ गया तो मैं अभी हाथ रखूंगा वो जगह हो जाएगा 6 घंटे के बाद। और मैं एक बात को समझ रहा था कि परमेश्वर इस दुष्ट आत्मा को इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि मैं अपनी जिंदगी में और प्योरिटी में आऊं, और प्योर हो जाऊं, और पवित्र हो जाऊं। इसीलिए परमेश्वर जानबूझकर उस दुष्ट आत्मा को मेरे पीछे कर दे, क्योंकि रात को जब अटैक खत्म होता था मुझे लगता था कि मुझे दुष्ट आत्मा है ही नहीं, और फिर से जब अगला दिन होता था परमेश्वर ने फिर से मुझे छूना, शैतान को बोलना इसे छू, और फिर से मुझे बाइबल की ओर कर देना, और इस रीति से परमेश्वर ने मुझे बाइबल पढ़नी सिखा दी रोज 6 घंटे। परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा को इस्तेमाल किया कि मैं परमेश्वर के करीब जा सकूं, लेकिन मैंने दुष्ट आत्मा की कभी प्रेज नहीं की, कभी प्रशंसा नहीं की, ओ ये कभी नहीं जा रहा, ये जा नहीं रहा, ओ बहुत बड़ा है, ओ पति मेरी बुआ ने भेजा है, मेरी चाची ने भेजा है, जादू कर दिया, टूना कर दिया, बहुत बड़ा शैतान है, 20 साल तो मेरे पीछे। शैतान ने कहा हवा ये फल देख, ये खाने में कितना अच्छा है और देखने में कितना अच्छा है। क्या लिखा है बाइबल में? उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसकी 1-6 आयत तक। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैने पशुओं बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। सर्प सबसे चलाक था, सांप सबसे चलाक था। आगे उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अंत जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। रुको,
बाइबल में क्या लिखा, परमेश्वर ने वो फल खाने के लिए मना किया था, किया था कि नहीं? परमेश्वर ने कहा था कि सब फल खाना लेकिन ये फल ना खाना, और बाइबल में लिखा शैतान उसके पास आके बोलता है नहीं 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 नहीं, परमेश्वर ने तुझसे झूठ बोला है। परमेश्वर जानता कि जिस दिन तू ये फल खाएगी तू परमेश्वर के समान हो जाएगी, जबकि हवा ये बात भूल बैठी कि वो पहले से परमेश्वर के समान है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपनी समानता में बनाया। आमीन। उसने कहा जिस दिन तू फल खाएगी उस दिन तेरी आंखें खुल जाएंगी, तो प्रभु के तुल्य हो जाएगी, और हवा ये बात भूल बैठी कि वो पहले से ही परमेश्वर ने उसे अपनी समानता में बनाया। पहले से परमेश्वर ने आदम को अपने जैसा बनाया और हवा को उसकी पसली के बीच से निकाला। और बाइबल में लिखा, जब आप 6 आयत को पढ़ते हैं, 5 आयत लिखा, वरन परमेश्वर आप जानते हैं जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम बड़े भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। 6 आयत में लिखा, सो जब उस स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा, लिखा उस स्त्री ने जब देखा जो शैतान ने दिखाया कि शैतान जो फल मुझे दिखा रहा है वो खाने में क्या है अच्छा, देखने में क्या है मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, लिखा उसने उसमें से वो फल तोड़ के खाया और अपने पति को भी दिया कि वो भी खाए। बाइबल में क्या लिखा है, शैतान एक झूठ है वरन झूठ का पिता है। कितने ने पढ़ा ये बात, बाइबल में लिखा है शैतान झूठ है, लेकिन यहां बाइबल क्या कहती है, जब शैतान ने वो फल दिखाया उसने कहा कि देख ये फल कितना अच्छा है, तो हवा को क्या लगा वो फल अच्छा या बुरा? इसका मतलब शैतान सच बोल रहा था, जबकि बाइबल क्या कहते हैं, वो सबसे झूठ है वरन झूठ का पिता है। मेरी बात को ध्यान से समझना, मोस्टली लोग शैतान को इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि शैतान जब आपसे बात करता है वो इस बात का सबूत देता है कि वो जो कह रहा है वो सही है। जब लोगों ने परमेश्वर के लोगों को भरमाया, जब यीशु मसीह के चेलों को भरमाया, जो चेले वापिस चले गए, उन्होंने कहा कि यीशु मसीह ने कहा कि उसके शरीर को जब तक तुम नहीं खाओगे, उसके लहू को जब तक नहीं पियोगे, तुम में जीवन नहीं होगा। उन्होंने कहा बाइबल में कहां लिखा है कि तुम एक इंसान का मांस खाओ इंसान का लहू पियो। शैतान ने सही बात कह के उसके लोगों को भरमा दिया, जबकि उसका ओरिजिन जो था वो झूठ था। ओरिजिन मतलब जहां से वो बात निकली है वो झूठ थी, जहां वो जाएगी वो झूठ है, जो आप देख रहे हैं वो सच हो सकता है। शैतान आपको बोल सकता है देख अभी भी तेरे पीठ में दर्द है, अभी भी तेरे घुटने में दर्द है, देख मैं गया नहीं तेरी जिंदगी से, लेकिन बाइबल क्या कहते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को रौंदने का पूरा अधिकार दिया, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। तो आप क्या मानने के लिए तैयार है, कि शैतान जो आपको दिखा रहे हैं या जो बाइबल कह रही है? परमेश्वर ने कहा था ये फल ना खाना, ये फल तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, पर शैतान ने कहा हवा फल देख तो सही। जब उसने देखा तो लिखा वो फल देखने में अच्छा, मन भाव और बुद्धि देने के योग्य, चाहने योग्य भी था। जब उसने देखा परमेश्वर ने तो कहा था खाना नहीं, लेकिन ये लगता ही बड़ा अच्छा है, लिखा उसने तोड़ा खाया और अपने पति को भी दिया। आप जो सुनते हैं वो सच हो सकता है, लेकिन उसका 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 बाप, उस बात का पिता एक बड़ा झूठ है। आप जो सुन रहे हैं, शैतान जो आपको कह रहे हैं वो सच हो सकता है कि देख तेरे दर्द हो रही है, हो सकता है आपके दर्द हो रही हो, लेकिन ये बात गलत है, वो शैतान की ओर से, अगर आप बात को समझ रहे हो। बाइबल क्या कहती, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का पूरा अधिकार दिया। कौन कह रहा है, मैं कह रहा हूं या परमेश्वर कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? यीशु मसीह कह रहे हैं मैंने तुम्हें दुष्ट आत्माओं पर पूरा अधिकार दिया, किसी चीज से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। अब आप इस बात को मानने के लिए तैयार हैं, या आप जो शैतान कह रहा है अभी मैं तेरे अंदर हूं, आप इस बात को मानने के लिए तैयार हैं? हो सकता आपका सिर दर्द ना जाए, शैतान बाहर से आपको अटैक करने की कोशिश करे, आपको छूने की कोशिश करे, ये झूठ बोलने के लिए कि मैं अभी भी तेरे अंदर हूं। आपको अगर आप बचना चाहते हैं आपको वो बोलना पड़ेगा जो परमेश्वर बोल रहे हैं। और बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं को रौंदने का पूरा अधिकार दिया। शैतान एक भीड़ व्यक्ति,
जब बाइबल में लिखा है वो व्यक्ति में से जाता है वापिस आता है देखने के लिए कि क्या वो व्यक्ति का जीवन सूना तो नहीं है, झाड़ा बुखारा तो नहीं है। मत्ती 12 की जब आप 12 अध्याय को पढ़ते हैं उसमें लिखा कि जो दुष्ट आत्मा जाती है बोलती मैं वहीं वापिस जाऊंगी जहां से मैं निकली हूं। लिखा अगर वो व्यक्ति परमेश्वर में है वो दुष्ट आत्मा अंदर नहीं जाती, लेकिन अगर वो व्यक्ति सून है, अगर व्यक्ति पाप में है तो लिखा दुष्ट आत्मा 7 गुना अंदर जाकर उसे तंग करती। अपने पड़ोसी को बोलो पाप मत कर, क्योंकि शैतान की रोटी पाप है। अगर तू पाप करेगा तो शैतान को तगड़ा करेगा। आमीन। कितनों को समझ आ रही आज का वचन? अगर एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाना चाहता है पहली बात उसे पाप छोड़ना होगा। आपको फैसला करना है जॉयस मेयर, जिसे आज पूरी दुनिया जानती है, कितने लोग जानते हैं जॉयस मेयर को, उसे नॉन बिलीवर्स भी जानते हैं, उसका नॉन बिलीवर्स भी प्रचार सुनते हैं। जब वो अपने जवानी में थी, बिल्कुल यंग थी, एक जगह वो नौकरी करती थी और उसके दांतों में प्रॉब्लम हो गई जॉयस मेयर के। ऑपरेशन करवाने के लिए गई, डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन होगा, आधा ऑपरेशन आज हो गया आधा वो उसने छोड़ दिया, बोला कल आना। जब आधा ऑपरेशन बीच में था तो जब वो अपनी नौकरी पे गई उसके बॉस ने बोला है ये कुछ $100 किसी कंपनी से आए हैं और उन्होंने हमने उनको इतने डॉलर का माल दिया और इतने डॉलर बच गए हैं उनके हमारे पास, पर उन्हें ये लिख के भेज दो कि उनके डॉलर्स पूरे हो गए, माल पूरा हो गया, पैसे पूरे हो गए, हमारे कोई लेन देन नहीं है अभी। यानी उसने बोला कि हेरा फेरी करके जितने डॉलर बचते 700, 800, 900 जितने भी वो थे मैं नहीं जानता, वो सारे अपने कर लें, उनको झूठ बोल के बोल दे। जॉयस मेयर को परमेश्वर ने कहा कि झूठ मत बोल। अगर जॉयस मेयर झूठ ना बोलती तो उसके दांतों का आधा ऑपरेशन रुकना था, क्योंकि उसके पास कोई पैसा नहीं था और सारा पैसा वो नौकरी से आ रहा था उसको। अब उसके पास एक चुनाव था, या तो ऑपरेशन बीच में रोक दे और अपने दांतों का सत्यानाश करवा ले, और या एक बार झूठ बोल के प्रभु से माफी मांग ले कि प्रभु एक बार बोल के जब मैं माफी मांगता हूं आगे से मैं नहीं करूंगी। उसने कहा मैंने फैसला किया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी, अपने बॉस को चिट्ठी लेके भेजी कि सॉरी मैं झूठ नहीं बोल सकती और मैं आपके यहां काम भी नहीं कर सकती। ये लिख के वापस आके अपने टेबल पे चलेगी और ये सोच के कि अभी रिजिग्नेशन लेटर आएगा और मुझे इस नौकरी से त्याग पत्र देना पड़ेगा और मुझे जाना पड़ेगा। उसके बॉस ने उसे बुलाया और कहा जॉयस तू झूठ नहीं बोलना चाहती? कहती मैं नहीं बोलना चाहती। कहता ये पकड़ कागज और कंपनी को फोन कर दे कि ठीक है आपके डॉलर्स अभी इतने बचे हैं और हम आपको माल भेज देंगे और आज से तेरी तनख्वाह दुगनी। और आज जॉयस मेयर लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण, लाखों अनाथ बच्चे उन परमेश्वर उसे इस्तेमाल कर रहा है उन्हें पालने के लिए, लाखों लाखों लोगों की जिंदगियां उसने बदल दी। स्टैंडर्ड नजर आता है उन लोगों का जो सचमुच मसीह में है, उनका भी नजर आता है जो है तो मसीह में है, तो आपके आसपास बोलते तो हैं वो चेले हैं लेकिन वो सचमुच चेले नहीं। जो लोग मसीह में जो शैतान से लड़ते हैं पहले परमेश्वर के अधीन रहते हैं, वो जानते नुकसान होता है हो जाए, दांत रहते रह जाए, लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे। नौकरी मिले ना मिले हम झूठ नहीं बोलेंगे। ऐसे लोगों को परमेश्वर ऊंचा करता है हमेशा। लेकिन कुछ मूर्ख ऐसे भी हैं जो दिन में 10 बार झूठ बोलते हैं, उन्हें लगता है वो माफी मांगेंगे और परमेश्वर माफ कर देगा, वो माफ कर देगा, लेकिन रिजल्ट झूठ का जो आपकी जिंदगी में है वो उसे 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 आपको सहना पड़ेगा। जॉयस मेयर आज लोग उसे मिलना चाहते हैं, उसे टच करना चाहते हैं, आज लोग उसे देखते ब्लेसिंग दुनिया के लिए आशीष को, लेकिन एक समय था जब उसके बाद दांत लगवाने के लिए पैसे नहीं थे और नौकरी छोड़ते इस बात के लिए कि दांत जाते जाएं लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी। हर एक महान व्यक्ति जो आज आपको महान दिखता है उसके सैक्रिफाइस उसके बलिदान ऐसे थे कि आज वो महान है। गलती नहीं लगी परमेश्वर को उसको महान बना दिया, किसी को भी उठा के खड़ा कर दिया, प्रभु गलती नहीं करता। आमीन। अब्राहम का जीवन पढ़ो, प्रभु गलती नहीं करता। एक वचन पढ़ो उत्पत्ति 18 उसकी 19 आयत को, जितने वचन मैं बोल रहा हूं घर जाके ऐसे पढ़ना कि जो मैं प्रचार कर रहा हूं सही कर रहा हूं कि नहीं। अगर आप घर जाके पढ़ेंगे नहीं तो आप एक बच्चा मसीही। घर जाके पूरी स्टडी करना जो मैं आपको बता रहा हूं। फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की, अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा यह जो मैं करता हूं उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी। सबको आमीन। बाइबल में लिखा जब परमेश्वर ने
ठान लिया कि मैं सदोम और अमोरा नाम के शहर को खत्म कर दूंगा क्योंकि उनका पाप बढ़ गया है। लिखा परमेश्वर ने स्वर्ग दूत भेजे जो उनको नाश करेंगे। लिखा रास्ते में उसे अब्राहम मिला और परमेश्वर क्या सोचते हैं, परमेश्वर ने कहा 17 तब यहोवा ने कहा ये जो मैं करता हूं क्या अब्राहम से छुपा के रखूं, इब्राहिम से तो निश्चय एक जाति बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। बाइबल में लिखा जब परमेश्वर एक देश को नाश कर रहे, परमेश्वर ने कहा जो मैं कर रहा हूं क्या अब्राहम से छुपा के रखूं। ऐसा रिश्ता था अब्राहम का परमेश्वर के साथ कि अब्राहम को बताने के सिर्फ बिना उसको बताए बिना परमेश्वर उन देशों को नाश नहीं करना चाहते थे। लेकिन क्यों अब्राहम ने खास रिश्वत नहीं दी थी परमेश्वर को? कोई व्यक्ति प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता अगर वो पवित्रता में ना हो और प्रेयर में ना हो और एक शुद्ध मन वाला व्यक्ति ना हो। 19 आयत को अगर आप पढ़े ध्यान से आपको समझ आ जाएगी परमेश्वर किस दिल का परमेश्वर है। 19 आयत में लिखा क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवारों को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे, इसलिए कि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। सबको आमीन। बाइबल में लिखा अब्राहम इतना ज्यादा परमेश्वर की जलन से भरा हुआ इंसान था कि परमेश्वर को यह यकीन था कि जब अब्राहम मरेगा इसका घराना मेरा पीछा करेगा। अब्राहम ने अपने घराने को इतना ट्रेंड कर दिया था, इतना डिसिप्लिन कर दिया था। आज मैं ऐसे माओं को देखता हूं जिन्हें पता है कि उनकी बेटी व्यभिचार में है, वो कभी भी उनको डांटेगी नहीं ये कह के जवान है, कहते पच ना जाए, कहते गलती ना कर जाए। मैंने लोगों को देखा, ऐसे लोगों को, और मुझे उनका रिजल्ट पता था कि जिस लड़की को आज तू ये सोच के नहीं डांट रहेगी तुझे तंग ना करे, सारी उम्र तू तंग होगी इससे, सारी उम्र। मैं जानता हूं और मैं देखता हूं लोगों को सारी उम्र रोते हुए। क्यों? अब्राहम लिखा वो इतना जलन से भरा हुआ इंसान था, कहता मैं परमेश्वर का अगर ये मर गया अपने पीछे घराने को ये कमांड देके जाएगा, अगर मेरी प्रॉपर्टी चाहिए मेरे बच्चों तो तुम्हें परमेश्वर के पीछे चलना पड़ेगा, नहीं तो भाग जाओ यहां से, ठेंगा भी नहीं मिलेगा तुम्हें। अगर तुम्हें मेरा अधिकार चाहिए तो तुम्हें मेरा परमेश्वर अपने संग रखना पड़ेगा। अब्राहम इस तरह का इंसान था, अपने घराने को डिसिप्लिन में रखने वाला इंसान। ये कौन सा परमेश्वर का प्रेम और जलन है आपके अंदर कि आपका बेटा आपकी बेटी व्यभिचार में है और आपका मुंह बंद है? ये कौन सा प्रेम है आपके अंदर परमेश्वर का? शैतान का सामना कर, लिखा वो तेरे सामने से भाग जाएगा। अपने बच्चों को ना डांट रहा व्यभिचार करके चोरी करके उनकी बातों को छुपाते रहना, आप बड़ी प्रॉब्लम की तैयारी कर रहे हैं उनकी जिंदगी में। लिखा वो ऐसा इंसान था, कहता है परमेश्वर ने कहा अगर ये मरा तो पीछे अपने बच्चों को आज्ञा देकर जाएगा कि मेरे हुक्मों परमेश्वर के हुक्मों पर चलते रहना और परमेश्वर के वाचा को परमेश्वर की बातों को छोड़ना मत। कहां गया वो हृदय जो जलन से भरा रहता परमेश्वर के लिए जलन से? आमीन। उसी जलन के तहत मैंने सिर्फ चर्च को बनाया आज तक, उसी जलन के कारण मैंने सिर्फ टीम को बनाया आज तक, और कुछ नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की जलन जब आपके अंदर होती आप सोचते आप क्या है या आपको क्या मिला, आप ये देखते कि परमेश्वर का काम किस रीति के साथ बढ़ना चाहिए। अगर आप ये दिमाग के, मैं प्रोफेसी कर रहा हूं दुनिया की हर आशीष आपके कदमों में होगी यीशु मसीह के नाम में। अगर आप ये समझ जाते हैं कि अब्राहम इतना ट्रेंड इतना डिसिप्लिन में रखने वाला इंसान था, अपने बच्चों को डांट के रखने वाला इंसान था, पाप के विषय में और किसी विषय में नहीं। वो कह परमेश्वर ने कहा ये इतना डिसिप्लिन रखने वाला कि अगर इसके बच्चे, कहता इसके बच्चे भी मेरे पीछे चलेंगे मैं जानता हूं, या अपने अपने घराने को इसने कमांड दिए आज्ञा दी, वो आज्ञा मुंह वाली आज्ञा नहीं थी, उसने सिस्टम ऐसे बनाए हुए थे अब्राहम ने, उसका घराना जानता था कि अगर ये सब चाहिए तो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, अगर बरकत चाहिए पिता की संपत्ति चाहिए तो प्रभु के साथ जुड़ी है। अगर प्रभु नहीं, अब्राहम ने बोला होगा अगर बेटा प्रभु नहीं तो मैं भी नहीं, अगर बेटा परमेश्वर नहीं तो मैं भी नहीं,
अगर तू परमेश्वर का नहीं तो मैं तेरा नहीं। मैंने लोगों को बदलते देखा है, कट्टर पापियों को अपने पिता के कदमों पे झुके देखे हैं और माफी मांगते देखा है जब वो परमेश्वर के नाम में कड़क हुए हैं। मैंने परिवारों को बदलते देखा है जब एक व्यक्ति ने वचन के पीछे से स्टैंड लिया है परमेश्वर के साथ। हालेलुया। लिखा शैतान का सामना कर। कैसे? पाप का सामना कर। जो शैतान कह रहा है उस पर आंखें मत लगा। जो शैतान आपको कह रहा है लोगों के बीच से याद रखो शैतान काम करता है। हो सकता है जो लोग आपको तारण दे रहे हैं कि ये देख, मैंने जो बोला था ना ये देख सही है, हो सकता है वो सच हो, लेकिन उस बात का बाप और उसका बाप बात का बेटा दोनों झूठ हैं। कितनों को समझ आ रही है? हो सकता है लोगों ने परमेश्वर को बोला परमेश्वर का मांस खाना उसका लहू पीना देख बाइबल में पाप है। अरे सचमुच पाप है, सचमुच एक व्यक्ति सही बोल रहा है, चल हम यीशु मसीह से दूर चलते हैं। उस बात का बाप और उस बात का बेटा दोनों झूठ थे, क्योंकि यीशु मसीह अपना बदन तुड़वाने के लिए, अपनी मौत करवाने के लिए धरती पे आए ताकि वो जी उठे। अगर बात समझ में नहीं आई इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर की ओर से वो नहीं। अगर वो बाइबल में नहीं लिखी इसका मतलब ये नहीं कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं। कहां लिखा है बाइबल में कि तंबाकू ना खाओ? कहां लिखा है? कहां लिखा है तंबाकू ना खाओ? कहीं भी नहीं लिखा। तंबाकू खाना सही है गलत? आपका दिल बताएगा तंबाकू खाना पाप है। कहां लिखा है बाइबल में कि सिगरेट ना पियो? सिगरेट का नाम ही नहीं है बाइबल में। आपका दिल जानता है सिगरेट पीना पाप है। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है वो जानता है कि ये पाप है, वो जानता है कि नहीं ये चीज सही नहीं है, वो जानता है कि नहीं ये चुगली है, वो जानता है नहीं मैं गिरा रहा हूं दूसरे व्यक्ति को, वो जानता है कि ये पाप है। ये उसका दिल, उसका कॉन्शियस जानता है ये पाप है। जब इंसान अपने कॉन्शियस, अपने विवेक की सुनता है, वो नहीं परवाह करता कि इस व्यक्ति ने उसके साथ धोखा किया है। अगर प्रभु कहे इसे ब्लेस कर तो वो ब्लेस करने के लिए तैयार है, चाहे वो कैसा भी, क्योंकि वो अपने विवेक को निर्बल नहीं करना चाहता। मोस्टली लोग क्यों नहीं छूटते? जब शैतान मुझ पे अटैक करता था, होली स्पिरिट बोलता था बाइबल पढ़, और मैं अपने कानों में, अपने दिल में आवाज सुनता बाइबल पढ़, बाइबल पढ़, बाइबल पढ़, क्योंकि मेरी बाइबल सिर्फ 10 मिनट की थी, रोज सिर्फ 10-15 मिनट बाइबल पढ़ता था मैं। लेकिन जब शैतान के अटैक खत्म नहीं हुए, प्रेयर करवा के देख ली, सब कुछ करवा के देख लिया, तो जब मैंने समझ गया कि परमेश्वर के दास मेरे लिए प्रेयर कर रहे हैं और मैं जानता हूं कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं, जैसे ही परमेश्वर ने मुझसे बात की कहा बाइबल पढ़, बाइबल पढ़ने के, जब बाइबल पढ़ता गया, जब परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में बसा और मैं जानता था कि जब परमेश्वर का वचन आपके दिल दिमाग पे छाता है तो शैतान आप पे अटैक नहीं कर सकता, वो अटैक करे तो आप पे काम नहीं कर सकता। जिस बात के उसने अटैक किया वो शर्मिंदा होता हुआ आपके घरों से यीशु मसीह के नाम में। कितनों को समझ आ रही मेरी बातें? आपको परमेश्वर में, परमेश्वर आपका विवेक निर्बल नहीं होना चाहिए। आपके दिल को पता आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। अगर परमेश्वर कहे माफ कर तो आपको माफ करना चाहिए, चाहे लोग कुछ भी कहें या उस व्यक्ति ने आपके साथ कुछ भी किया हो, क्योंकि आपका विवेक, आपका दिल, आपका कॉन्शियस जो है अंदर, वो निर्बल नहीं होना चाहिए। वो निर्बल तब होता है जब आप परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाते। और बाइबल में लिखा है जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां क्या है? ऊंची आवाज में बोलो स्वतंत्रता, ऊंची आवाज में बोलो आजादी। आमीन। लिखा जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी। जब मैंने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया था 16 अगस्त 2004 को और 2 अक्टूबर वाले दिन जिस दिन मैंने बपतिस्मा लिया था, मैं जान चुका था परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में आ चुका है। चाहे शैतान मुझ पे अटैक करे, वो मुझे बताए मैं अभी भी तेरे अंदर हूं, देख मैं अभी भी तेरे सिर में हूं, देख अभी भी अटैक खत्म नहीं हुए, मुसीबतें वैसी की वैसी, लेकिन बाइबल कहती है जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी। आमीन। मैं जानता था परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर आ चुका है, और बाइबल कहती है जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। और धीरे धीरे परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की, बाइबल पढ़, गाने सुनना छोड़, टीवी देखना छोड़, बाइबल पढ़, अच्छा प्रेयर कर, अच्छा फास्टिंग कर, अच्छा इस रीति के साथ परमेश्वर को बोल, इस रीति के साथ प्रार्थना कर, परमेश्वर के सामने इस रीति के साथ चल, इनको माफ कर, दुश्मनों को। मैंने लोगों के अंदर दुष्ट आत्माओं को रहते देखा क्रिश्चियन लोगों की लाइफ में, सिर्फ इस कारण कि वो लोगों को माफ नहीं कर सकते।
उन लोगों को माफ नहीं कर सकते जो उनके खिलाफ बोलते हैं, उन लोगों को माफ नहीं कर सकते जो उनके खिलाफ काम करते हैं। इसलिए मैंने दुष्ट आत्मा को उनकी जिंदगी में रहते देखा सदा के लिए, चाहे वो मसीही है चाहे उनकी प्रार्थना है। अगर तू अपने गुनहगारों को माफ नहीं करेगा, तेरा पिता स्वर्ग से भी तेरे गुनाहों को माफ नहीं करेगा। अगर तू कहे उसके गुनाह देखो कैसे हैं, तो तू भी सोच तेरे गुनाह कैसे थे। अगर तू कहे उसकी गलती देखो कितनी भयानक है, तो तू भी सोच तेरी गलतियां कितनी भयानक थी परमेश्वर के सामने। दुष्ट आत्मा उसे चला जाते हैं जब आप तन मन से परमेश्वर के हो जाते हैं। आमीन। दुष्ट आत्मा उस दिन चला जाता है जब आप तन मन से परमेश्वर का पीछा करना शुरू कर देते हैं, जब आप उसके राज्य को बढ़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। वो आप परमेश्वर जानते हैं कि आपका हर एक चीज परमेश्वर की महिमा के लिए, आप जानते हैं आपका विवेक जानता है कि आप अगर जी रहे हैं तो प्रभु के लिए, खा रहे हैं तो प्रभु के लिए, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो प्रभु के कामों के लिए। कितना वो समझ आ रही है आज मेरी बातें। शैतान जो कहे वो सच लग सकता है उस टाइम, लेकिन उस बात का बाप, उस बात का फादर, उस बात का पिता और उस बात का बेटा दोनों झूठ है। वो जहां से निकली वो झूठ है, जहां वो पहुंचेगा वहां झूठ है। हो सकता है जो आपको सुन रहा हो वो सच्चाई हो। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो कोई आत्मा के अनुसार चलेगा वो जिएगा। हालेलुया। बाइबल में कहा हर व्यक्ति अपने पड़ोसी से झूठ बोलता है। अगर आप आत्मा के अनुसार चलाए गए नहीं है, आप लोगों के झूठ पर विश्वास कर लेंगे, आपको उनके सब चुगलियां झूठ लगेंगी, सच लगेगा आपको उनका बोला गया हर झूठ जो आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, जो आपकी तरफ है और दूसरे के विरोध का है, आप उसको सुन के एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं, अगर आप बातों को जांचेंगे और समझेंगे नहीं, आप भोले और मूर्ख इंसान है। लेकिन बाइबल में लिखा जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलते हैं वो समझते हैं सब बातों को, वो जांचते हैं सब बातों को, वो समझते हैं देखते हैं सब बातों को। जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। आमीन। अगर एक डॉग, अगर एक कुत्ता जब बैठता तो अपनी पूंछ को हिला के साफ साफ जगह बैठता है। जानवर भी अच्छी जगह बैठना पसंद करते हैं, इंसान भी अच्छी जगह बैठना पसंद करते हैं, पवित्र आत्मा भी पवित्र जगह बैठना पसंद करते हैं। उसके आने की आवाज आती, जाने की आवाज नहीं आती। पवित्र आत्मा के आने की आवाज आती है आपको, गैर भाषा सामर्थ्य जाने की आवाज नहीं आती। लोग रिसीव करते हैं उसको, ग्रहण करते हैं, पाप करके गवाते भी हैं। जो गैर भाषा रह जाती है वो सिर्फ गैर भाषा है, वो वरदान है, सिर्फ एक वो प्रैक्टिस रह गई। पवित्र आत्मा लोगों के बीच से छोड़ के जा चुके हैं। मैं लोगों को शराब पीते और गैर भाषा बोलते देखा है। ये क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा जा चुका है, शब्द याद रह चुके हैं, उसके दिमाग में रह चुके हैं। इसलिए कहा गया पवित्र आत्मा के अनुसार चलो तो तुम जियोगे, तो तुम्हारे जीवन में आजादी होगी। आमीन। अगर आप डरते रहेंगे परमेश्वर से, अब्राहम डरने वाला इंसान था परमेश्वर से। सबसे अधिक परमेश्वर उस व्यक्ति को इस्तेमाल करते हैं जो अपने अंदर परमेश्वर का डर रखते हैं, परमेश्वर के लोगों का डर रखते हैं। सबसे ज्यादा व्यक्ति आपको अगर मिलेगा तो वो व्यक्ति इस्तेमाल हुआ मिलेगा। आमीन। कितनों को समझ आ रही मेरी बातें? पाप अगर आपकी जिंदगी में है तो जितनी मर्जी हाथ रख के प्रेयर करवा लो, दुष्ट आपको छोड़ने वाला नहीं। वो प्रेयर जो आप करवा रहे हैं मदद कर सकते हैं आपकी पाप छोड़ने में, अनुग्रह दिलवा सकते हैं परमेश्वर से कि आप प्रभु के करीब जाते जाएं। लेकिन छुटकारे के लिए बाइबल में लिखा है आपको परमेश्वर का होना पड़ेगा। अगर एक व्यक्ति तन मन से कबूल करके परमेश्वर मैं अपना जीवन तुझे देता हूं, अपने पूरे मन से मैं अपना जीवन तुझे देता हूं, अपने पापों को छोड़ता हूं, अपने लहू को एक्सेप्ट करता हूं कि मेरे लिए बहाया गया, लेकिन दुष्ट आत्मा उसकी जिंदगी में काम नहीं कर सकती। लेकिन ये सिर्फ शब्दों के द्वारा नहीं, आपकी जिंदगी के द्वारा होना चाहिए। आपकी जिंदगी पवित्रता और वचन पर खड़ी होनी चाहिए। आमीन। आप इस बाइबल को अगर देखेंगे बहुत सारे पेजेस इसमें येलो हैं। जब वचन पढ़ता था मैं जानता था कि यह सर्वशक्तिमान का वचन है, ये आम किताब नहीं है। जो वायदे मुझे तब बाइबल में 10 साल पहले लिखे दिखते थे और मैं सोचता ये मजाक है, ये मेरी जिंदगी में कभी नहीं हो सकता, ये मेरी जिंदगी में कभी नहीं हो सकता, ये बहुत मुश्किल बात है, असंभव बात है। आज 2014 में मेरी जिंदगी में कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है। ये सबसे बड़ी गवाही है मेरी लाइफ की। मेरी लाइफ में कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है। जब मैं परमेश्वर के सामने घंटों बैठता हूं मेरी लाइफ में कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है।
कोई प्रार्थना नहीं है इस चीज के लिए, सिर्फ एक कि परमेश्वर मैं आप में बढ़ना चाहता हूं, सिर्फ ये। आमीन। ये टाइम तब आता है जब आपके अंदर जलन होती है परमेश्वर के लिए। मैंने लोगों को परमेश्वर के लिए काम करते देखा, कहीं मीटिंग होनी तो सबसे ज्यादा टेंशन मुझे होनी साउंड की, कि साउंड अच्छा होना चाहिए, साउंड अच्छा होना चाहिए, और बाकी लड़के घूमते फिरते ऐश कर रहे, इंजॉय कर रहे बंदगी को, और मेरे सिर पे हमेशा एक अजीब सा बोझ रहना। अपनी चर्च में मैंने देखते रहना कौन सी चीज कमी है, अभी चले चर्च के पास ये नहीं, चर्च के पास ये नहीं, और आप नहीं जानते मेरा बोना क्या था। मैंने परमेश्वर के काम को ऐसे नहीं किया कि ये पास्टर का काम है, मैंने ऐसे किया कि ये मेरा काम है, परमेश्वर का काम मेरा काम है, पर्सनली मैंने उसे लिया, अगर मैं नहीं करूंगा कोई नहीं करेगा। जितनी सिरदर्दी आप प्रभु के कामों की लेंगे उतनी सिरदर्दी आपकी खत्म होगी यीशु मसीह के नाम में। जितना आप परमेश्वर के काम को अपना समझ के करेंगे आपकी अपनी खेती सींची जाएगी यीशु मसीह के नाम में। वही लोग, वही लड़के जो घूमते थे बंदगी में, उनको कोई पता नहीं साउंड कैसे लगे, उनको कोई पता नहीं दलिया कैसे बिछी, उनको कोई पता नहीं टिकटें कहां से आई है प्रभु के दास की, कोई पता नहीं वापस कैसे जाना है, पैसे कहां से आ रहे, कोई पता नहीं, सिर्फ ये पता है बस ही हा हा हू। आज दो नौकरियां कर रहे हैं, नौकरियां 5-5, 6-6 हजार में, 10 साल हो गए हैं। नौकरी करना बुरी बात नहीं है 5 हजार में, लेकिन अगर आप 10 साल से वही 5 हजार में हैं, श्योरली आपकी जिंदगी में बड़े पाप हैं। उनके हिसाब से मैं मूर्ख था तब, क्योंकि सारी टेंशन मेरे दिमाग पर थी, उन्हें लगता था मैं पागल हूं। आज सबसे ज्यादा ब्लेस्ड हूं मैं यीशु मसीह के नाम में। आज वो लोग देखते हैं, आप यकीन नहीं करोगे, मैं उनको फोन नहीं उठा पाता हूं, और एक टाइम था जब मैं फोन कर रहा था वो उठाते नहीं थे, आज मैं फोन नहीं उठा पाता हूं और वो मुझे बेग करते हैं मेरा फोन उठाओ, मैं प्रॉब्लम में हूं। लिखा जब तू परमेश्वर की आवाज नहीं सुनेगा और तू हंसेगा, एक टाइम आएगा तो जब मुसीबत घेरेगी और मुसीबत और बुद्धि हंसेगी, प्रभु हंसेगा और तू मुसीबत में होगा। आप जो बो रहे हैं आप काटेंगे, अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा, नफरत तो नफरत, प्यार तो प्यार। प्रभु के घर में इसलिए पैसा मत दो कि आपको 100 गुना मिले, आप बिजनेस करने के लिए प्रभु के घर में नहीं आए। आमीन। हमने इसलिए परमेश्वर के सेवकाइयों में बोया, इसलिए नहीं कि हमें बरकत मिले, हमने इसलिए बोया कि एक बोझ हमारे अंदर था कि परमेश्वर का राज्य बढ़ना चाहिए, और हम जानते उसका राज्य बातों से नहीं, हर एक चीज जरूरी है, हमारा जीवन देना जरूरी है, पैसा देना जरूरी है, ताकत देना जरूरी है, गिफ्ट देना, टाइम देना परमेश्वर को जरूरी है। आमीन। सिर्फ मैं देता हूं, मुझे टेंशन है हर चीज की। और बाइबल में लिखा जब परमेश्वर ने दाऊद को देखा था, परमेश्वर ने कहा मुझे मेरे मन के अनुसार चलने वाला एक व्यक्ति मिल गया, मेरा मुंह ऐसा कि मैं पाप में लोगों को देख के चुप नहीं बैठ सकता, चाहे वो मेरा कोई भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, मुझे कोई छोड़ के जाना चाहे, जाए आना चाहे, कोई आए, जब वो पाप में है तो मैं चुप नहीं बैठ सकता। ये कौन सी आग है आपके अंदर जो गर्म नहीं है, ये क्वेश्चनेबल आग है। ये कौन सी जलन है आपके अंदर जो दिखती नहीं परमेश्वर के लिए। लोग सोचते हैं जब हम प्रभु के चर्च में पैसा देते तो वो एहसान है, प्रभु पे कोई एहसान नहीं, वो आपके पैसे को नहीं चाहता। लेकिन बाइबल में लिखा हम वो जो बोते हैं वो हमारी जिंदगी बनाते हैं। जब मैंने बोया था आज से और आज तक बो रहा हूं, जब मैंने प्रेयर की थी आज तक कर रहा हूं, जो मैंने फास्टिंग की आज तक कर रहा हूं, उसने मुझे बनाया या किसी और को? उसने मुझे ब्लेस किया। आमीन। उसने मुझे आशीषित किया। प्रभु के घर पे आके हम प्रभु पे एहसान नहीं करते, उसकी प्रार्थना करके हम प्रभु पे एहसान नहीं करते। 50 लोग अगर मेरे द्वारा मसीह में आए तो प्रभु पे कोई एहसान नहीं, मेरे धर्म के काम उसे कुछ नहीं दे सकते, मेरे पाप उसका कोई नुकसान नहीं कर सकते, ये सब कुछ मैं अपने लिए करता हूं। यीशु मसीह को चेले बोले परमेश्वर हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो गए, हमें क्या मिलेगा? परमेश्वर ने कहा एक भी ऐसा नहीं जो सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो जाए और मैं उसे 100 गुना ना दूं। हालेलुया। अगर हम किसी मजदूर की मजदूरी नहीं रखते तो परमेश्वर भी हमारी मजदूरी नहीं रखेगा। आमीन। बाइबल में लिखा कुरनेलियुस को परमेश्वर ने कहा, स्वर्गदूत को बोला कि मैं कुरनेलियुस को बोला स्वर्गदूत ने कि तेरी प्रार्थना और तेरे दान परमेश्वर के सामने याद किए गए।
अकेली प्रार्थना नहीं, लिखा तेरे दान जो तूने परमेश्वर के लोगों में किए उसके कामों को बढ़ाने के लिए। हालेलुया। अब्राहम ने कहा, अब्राहम के विषय में परमेश्वर कहा, ये इतना इतना जबरदस्त इंसान है अब्राहम कि मैं इसे बताए बिना कोई काम नहीं करूंगा, और दूसरा ये अपने घराने को आज्ञा देके जाएगा, बेटा अगर प्रॉपर्टी चाहिए तो ये है बाइबल, अगर ये तेरी है तो मैं तेरा हूं, जिस दिन ये तेरी नहीं मैं तेरा नहीं, जिस दिन परमेश्वर तेरा है उस दिन मैं तेरा हूं, जिस दिन परमेश्वर तेरा नहीं है मेरा तेरे साथ कोई संबंध नहीं। ऐसा था अब्राहम। आज लोग अब्राहम बनना चाहते हैं, उसके काम नहीं करना चाहते, दाऊद बनना चाहते हैं उसके काम नहीं, एस्तर बनना चाहते हैं बॉयफ्रेंड को छोड़ना नहीं चाहते, दाऊद बनना चाहते हैं गर्लफ्रेंड को छोड़ना नहीं चाहते, पाप बॉस ने बोल दिया दारू पीनी है तो पीनी भी नहीं, क्योंकि बॉस नाराज नहीं होना चाहिए, प्रभु नाराज होता तो हो जाएगा। आप बहुत पीछे हैं अभी, जिस दिन परमेश्वर को प्रसन्न करना आ जाएगा आपके चेहरे चमकेंगे यीशु मसीह के नाम में, लोग देखेंगे परमेश्वर की महिमा को आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको परमेश्वर का बनना है तन मन धन हर चीज से, आपको दिखाना है परमेश्वर को कि आपके अंदर चलन है परमेश्वर के कामों के लिए। किसने लाश मांगी थी परमेश्वर की? यूसुफ ने। बाकी कहां थे? सोए हुए थे बाकी सारे, और यूसुफ के अंदर था कि यीशु मसीह के अंदर ये शर्म नहीं होनी चाहिए, उसकी जिंदगी में ये शर्म नहीं होनी चाहिए। मिनिस्ट्री में भी ऐसे ही लोग हैं कुछ जो देखते हैं कि मिनिस्ट्री में ये कमी नहीं होनी चाहिए, सेवकाई में ये कमी नहीं होनी चाहिए, चर्च में मैं ये कमी रहने नहीं दूंगा, और खुद स्टेप लेते हैं, लोगों का इंतजार नहीं करते। हालेलुया। लोग बोलते हैं वो सेवकाई अच्छी नहीं, ओ पास्टर ने ऐसा कर दिया, वो फलाने सेवक ने ऐसा कर दिया। मैं उनको बोलता था आज से कुछ साल पहले, अगर उसने ऐसा कर दिया तो आप क्या लंगर खाने आए? खड़े हो जाओ परमेश्वर के लिए और बता कर दिखाओ, काम करके दिखाओ आप कैसा काम चाहते हैं। मैंने कभी किसी खिलाफत नहीं की, मैं लोगों को बोला मैं खिलाफत करने के लिए खड़ा नहीं हुआ, मैं करके बताऊंगा परमेश्वर ने किन कामों के लिए मुझे चुना है। आमीन। तब लोग फॉलो करेंगे जो मैं कर रहा हूं, क्यों? मैं जानता हूं परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया है, मैं वोटों से खड़ा नहीं हुआ हूं, लोगों ने वोट डाल के मुझे खड़ा नहीं किया, मुझे परमेश्वर ने खड़ा किया है, मैं आपके लिए खड़ा नहीं हूं परमेश्वर के लिए खड़ा हूं। आमीन। जब परमेश्वर आपको खड़ा करता है, ये प्रेयर के द्वारा खड़ा नहीं करता, ज्यादा प्रेयर वाला इंसान खड़ा हो जाए ये संभव नहीं है, ये चुनाव है जो परमेश्वर सर्वशक्तिमान पहले करता है और बाद में आप प्रेयर करते हैं। मैंने संडे लोगों को बताया कि मैं आपको दिन बता सकता हूं रातें गिन के कि कौन सी रात मैं सोता हूं, पिछले एक साल में मैं कितनी रातें सोया हूं, ये मेरे हाथों से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन मैं आपसे ज्यादा हेल्दी हूं, आपसे ज्यादा ब्लेस्ड हूं रातों को जाग के भी। कितनों को समझ आ रही मेरी बातें? अगर परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है, आपके काम बताएंगे, आपके शब्द नहीं। हालेलुया। आपके आपके काम बताएंगे, आपके शब्द नहीं। मैं लोगों को बोलता हूं जब तुम्हारे जीवन में पाप हो तो शब्दों से मत को परमेश्वर मुझे माफ कर, जीवन ऐसा कर लो आपका जीवन बोले यीशु मसीह के नाम में, जो पाप आपने किया उसे इस तरह से मसल के रख दो कि आप इस तरह से फाइट करो शैतान के साथ कि परमेश्वर देखे महीना दो महीने छह महीने आपने सचमुच वो गुनाह नहीं किया और परमेश्वर आपको खड़ा करे फिर से। हालेलुया। जब आप समझ जाएंगे परमेश्वर के वचन उसके प्रेम को, आप अपनी बुआ की परवाह नहीं करेंगे जो आपको प्रसाद खिला रही, जो नाराज हो जाएगी जिसने आपको फॉरन में भेजना है, आप गरीबी में रहने के लिए तैयार हो जाएंगे लेकिन वो प्रसाद लंगर खाने के लिए तैयार नहीं होंगे, और एक दिन होगा जब आप बाहर होंगे यीशु मसीह के नाम में। याद रखो जो कोई शैतान आपको ऑफर कर रहा है, जिस लालच के साथ वो आपको ऑफर कर रहा है, समझ लो परमेश्वर के पास 100 गुना ज्यादा है उस शैतान से, 100 गुना ज्यादा परमेश्वर आपको दे सकते हैं। गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। अपने हाथों को उठा को, परमेश्वर मैं तैयार हूं।